Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So in today's video, I'm going to share with you a haul, Mr. DIY haul. So मैंने ना Mr. DIY से randomly products लिए थे. So काफ़ी products हैं, you can see. और इन सभी products की quality है, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी affordable भी हैं. तो मैं ना randomly pick करती जाऊँगी. और सबसे पहले है ये pen. इसका price था 67 rupees. और ये किस इस तरीके का है, सॉफ्ट सा पफ दिया है इसके ऊपर. और ये है बॉल पेन, इसके साथ आता है ये एक लाइक प्लास्टिक का कैप, तो इजीली आप इसको सिक्योर कर सकते हो. और मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा, क्यूट सा भी है, फ्लफी सा, और चलने में भी लाइक काफ़ी स्मूथ भी है चलने में. सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा ये पेन होल्डर बोल सकते हो, या फिर इसको आप मेकअप ब्रशेज होल्डर भी बना सकते हो. लाइक हियर यू कैन सी, मैंने ना इसमें अपने जो मेकअप ब्रशेज थे वो रख लिए. तो इसकी जो लाइक आप देख सकते हो फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है. मुझे इसका जो सेल्फ प्रिंट था काफ़ी अच्छा लगा, और ये काफ़ी अफोर्डेबल भी था, लाइक जस्ट 45 rupees. और इसकी क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है. और नेक्स्ट प्रोडक्ट है दिस मेटल टिन बॉक्स, इसका प्राइस भी 45 rupees है. लाइक एज अ गिफ्ट भी, या लाइक कुछ अगर आप गिफ्ट करना चाहते हो इसमें डाल के दे सकते हो. इसकी क्वालिटी लाइक काफ़ी अच्छी है, टाइटली बंद हो जाता है ये. इसमें आप अपने ज्वेलरी वगैरह भी रख सकते हो, या फिर कुछ भी आप बैग में जो छोटा मोटा कैरी करते हो इसमें रख के इजीली आप अपने बैग में रख सकते हो. मुझे तो ये काफ़ी क्यूट लगा, आप बताना आपको कैसा लगा ये बॉक्स. जो बाकी के प्रोडक्ट है ना वो जस्ट किचन के रिलेटेड हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी. मैंने ना एक्चुअली पिक किए थे क्योंकि मुझे ये सभी चीज़ें चाहिए थी, और इनकी क्वालिटी अच्छी थी और इनका प्राइस भी. तो सबसे पहले है ये, और ये है आइस मोल्ड. ये मुझे मिला था 119 rupees, 119 का. और ये कुछ इस तरीके का है, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट लाइक कलर्स के ऊपर हैं. ओके सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये. ये है दो जैम बॉक्स लिए थे मैंने, लाइक आप इसमें जैम वगैरह भी रख सकते हो, या फिर ड्राई फ्रूट्स, कुछ भी जो आपको रखना हो. इवन आप लाइक आपके वैनिटी के ऊपर कॉटन पैड्स वगैरह भी इसमें सेव कर सकते हो, और इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है. और इसका एक का प्राइस था 50 rupees, यस ईच प्राइस 50 rupees. और नेक्स्ट प्रोडक्ट है दिस टू पेपर बॉक्सेस, लाइक आप इसको बोल सकते हो स्प्रिंकल बॉक्सेस भी बोल सकते हो. और ये काफ़ी अच्छी लुक है इनकी, लाइक यू कैन सी चेक प्रिंट है यहाँ पे, और इसमें है पुलका डॉट्स. मुझे इसका कलर काफ़ी क्यूट लगा, यू कैन सी रेड रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन है, काफ़ी अच्छा लगा. और ऐसा नहीं है कि इसमें यू नो प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, कई बार क्या होता है कि हवा लगते ही हमारा जो नमक वगैरह होता है ख़राब हो जाता है. तो इसमें मैंने ब्लैक सॉल्ट सेव किया है, इसमें रखा है कंटेनर में, और इसमें मैंने रखा है ब्लैक पेपर. और अगर मैं कंटेनर की बात करूँ ऊपर से आप देखोगे तो पहले आएगा सबसे छोटा, फिर आएगा उससे बड़ा, देन फिर उससे बड़ा. तो ईजिली आप अपने अकॉर्डिंग पेपर का यूज़ कर सकते हो. ओके सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है दिस स्टेनलेस स्टील टोंग. मुझे ये चाहिए था इसलिए मैंने रैंडमली ये पिक कर लिया, घर पे था नहीं और मुझे चाहिए भी था. इसका प्राइस था मे बी 75 rupees, जो इसका प्राइस होगा ना एक्चुअल मैं यहाँ पर मैंशन कर दूँगी. और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है. और जो हमारा लास्ट प्रोडक्ट है वो है ये ट्रे वाइट कलर की, और इसका प्राइस भी 57 rupees था. इसकी प्लास्टिक काफ़ी अच्छी है, लाइक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा. इसमें इवन दो कलर्स और भी अवेलेबल थे, लाइट ग्रीन और लाइट पिंक. मुझे वाइट चाहिए था तो मैंने वाइट उठा लिया. सो या गाइज दैट्स माई मिस्टर DIY हॉल. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. बाय गाइज. Oh, oh, oh.